हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा मस्त होंगे और हमारे वीडियोस काफी एंजॉय कर रहे होंगे। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की इतनी प्यारी कमेंट्स आई हैं हमारे जो प्रीवियस व्लॉग था जो कि हम लोगों ने बाद में अपलोड किया है रोज डे वाला इवनिंग का, और काफी लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल दिस। तो आज है चॉकलेट डे, तो हैप्पी चॉकलेट डे टू ऑल ऑफ यू। लीजिए, आपके लिए आ गई है गर्मा गर्म चॉकलेट वाली कॉफी जो मैंने सीखी थी चाय साहिबा रिवर्स। तो गाइज, आज आप लोगों का क्या प्लान है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग क्या क्या किए हैं, और ये आज जो मेरे ख्याल से थर्ड डे है, वैलेंटाइन्स वीक का थर्ड डे है, तो देखते हैं आज का दिन हम लोगों को कैसा होता है। कीप वॉचिंग। गुड इवनिंग गाइज। एक्चुअल में क्या हो गया था, हम लोग लंच करने के बाद सो गए थे क्योंकि कल रात में काफी लेट हो गया था एडिटिंग वगैरह करने के चलते में, तो नींद प्रॉपर हो नहीं पाई थी, तो हम लोग सो गए थे। तो अभी हम लोग फिर से आ गए हैं आपके पास। Hey guys, good evening. चलिए मैं आप सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। चलिए गाइज, तो हमने जहाँ पर छोड़े थे मॉर्निंग में, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉफी मॉर्निंग की कॉफी में छोड़े थे और इवनिंग की कॉफी में मिलते हैं। चलिए चलेंगे, चलिए आप लोग। सो गाइस, देख लीजिए आप, बनने लगी है कॉफी। एक्चुअली में क्या हो जाता है, जब नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है ना, तो पूरा दिन थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक लगता है और अजीब सा लगता रहता है। तो हम लोग जैसे ही डिनर करके, सॉरी लंच करके, जैसे ही ऊपर गए हैं तो पता नहीं चला कि कब नींद लग गई है। और फिर जो एक और ब्लॉग था उसकी भी एडिटिंग चल रही थी आप लोगों के लिए, जो कि मोस्ट अवेटेड ब्लॉग था, काफी लोग देखना चाह रहे थे जिसे। तो आई होप कि वो ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और फर्स्ट पार्ट उसका जरूर देखिएगा, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिएगा, तभी आपको पूरा जो वो इवनिंग जो थी हम लोगों की, वो आप लोगों को समझ में आएगी कि कहां से कैसे स्टार्ट हुआ है। इधर बना रही हूं मैं कॉफी, इधर गर्म हो रहा है पानी और इधर बन रही है चाय, क्योंकि ठंड का भी टाइम चल रहा है और कोविड का भी चल रहा है। तो मतलब हम लोग नॉर्मली बहुत गर्म तो नहीं, लेकिन बॉइल्ड वाटर ही पीना प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम पर। कैसा लगा उस दिन आपको? वैसे अभी मम्मी पूजा करते करते कथा सुन रही थी, अब वो व्लॉग चालू हो गया उनके फोन में भी, तो जब तक पूजा की तैयारी करती हैं उनका व्लॉग भी चलता रहता है। तो कैसा लगा था आपको उस दिन? बहुत अच्छा लगा था। सरप्राइज कैसा था? बहुत अच्छा। इन्हें लगा कि मैं इस बार इन्हें रोज दूंगा भी कि नहीं दूंगा, पता नहीं। मैं खुद से भी एक रोज रखी हुई थी कि मैं तो दूंगी। फिर वो जो हुआ है, जो हुआ है, आप लोग देख ही लिए होंगे ब्लॉग में जाकर। देखिए कौन कौन मेरी तरह चाय बनाता है। कौन कौन इनकी तरह चाय बनाता है भाई? अभी इसमें लौंग, काली मिर्च और शक्कर और पानी है, और अभी उबल गया है, उसमें मैं डाल रही हूं चाय। चाय पत्ती, ऐसे भी चाय बनती है क्या? मैं तो पीता नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट अगर आप बना रहे हैं तो हो सकता है बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं कि इसमें पानी, इसमें दूध और चाय पत्ती, शक्कर सब इकट्ठे डाल के उबाल देते हैं, और मैं पहले पानी में शक्कर और चाय पत्ती, अदरक, इलायची और काली मिर्च डाल के उबाल देते, लौंग डाल के बाद में आते हैं। यार ये तो वैसी चाय हो गई जैसा हम लोग ऐड वगैरह में देखते हैं कि अलग से शुगर और मिल्क ऐड करने के लिए रहता है, चाय कंप्लीट रहती है बाकी। नहीं, एकदम अलग नहीं डालते हैं, उबालते हैं दूध डाल के भी, लेकिन पहले ऐसे होते हैं। इसमें तो अच्छा टेस्ट आता होगा। अबे तो यूं ही थोड़ी चाय के दीवाने हैं सब। तो हिमप्रिया टी कॉर्नर खोल ले। लव बर्ड्स तो मतलब जितने भी कपल्स होंगे वो तो पूरे टाइम वहीं बैठ रहा करेंगे, क्यों? फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं, वी नेवर नो।
है ना। फिर आपको घंटी की आवाज आने लगी होगी क्योंकि मम्मी की पूजा हो गई चालू। सिर्फ मेरे लिए बनती है स्पेशली कॉफी, कभी कभी ये साथ दे देती है मेरा, और कभी कभी नहीं, हमेशा ही साथ देती हूँ। मैं चाय थोड़ा कम पीती हूँ, बट कम पीती हूँ, लेकिन जब अच्छे से चाय बनाना चाय ही बनाती हूँ अपने लिए भी। देख लीजिए कॉफी अच्छी लगती है, और हम लोग बाहर भी जाते हैं तो जनरली कॉफी ही पीते हैं। कल उस दिन भी गए थे, परसों तो भी हमने कॉफी ही लिए थे, बट इन्होंने बाद में घर में आके मम्मी को बताया था, मम्मी वहाँ चाय के आए, इतने इतने सारे फ्लेवर्स थे ना कि हाँ। मैंने बाद में देखी, अगर मुझे लगता तो मैं पहले कॉफी की जगह चाय ही ली थी। क्या कहना चाहेंगे इसमें आपकी कोई विशेष टिप्पणी? अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मम्मी के साथ ही जाएंगे। हाँ यार, मम्मी हमेशा मतलब रह जाती हैं, उस वहां पे भी थे, रीवा में भी, तभी हम लोग मम्मी के पूजा पाठ के टाइम रहता चाय चाय बार नहीं जा पाए थे। हाँ, लेकिन इस बार हम लोग जाएंगे ना चाय चाय बार विद फैमिली, सब लोग सटेंगे चाय, बहुत मजा आएगा। और यहाँ का वड़ा पाव भी खिलाना है मम्मी को, भोपाल में एक जगह है काफी फेमस है। ये देखिए मेरी चाय, दिखाइए बैठकर। दिखाइए भाई इनकी चाय, देखिए ये है इनकी बनाई हुई चाय, इसमें मिल्क डाल दिए हैं अब, है ना। अब डाल दिए, अब अच्छे से उबल रही है, इसके बाद जो इसमें टेस्ट और फ्लेवर आता है। यार की कॉफी बन चुकी है, चलिए अब कॉफी पीजिए और मैं भी। हम जा रहे हैं घूमने, नहीं घूमने नहीं घूमने नहीं, कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि ये तो रोज रोज जाते हैं डेली डेली। आज मैं सोची कि मैं भी जाती हूँ दर्शन करके, आ जाती हूँ। कभी कभी जाती हूँ मैं उनके साथ, मैं डेली नहीं जा पाती क्योंकि घर में भी थोड़ा थोड़ा काम लगता है। तो आज हम लोग चॉकलेट डे मनाने जा रहे हैं, है ना? हमारी कॉलर नहीं, लेकिन घूमने के लिए बहुत अच्छी है, ज्यादा इवनिंग वॉक हो, मॉर्निंग वॉक हो, नाइट वॉक हो, मतलब टोटल सेफ है, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कितने भी रात में आप घूम सकते हैं। और वहाँ यहाँ से दिख नहीं रहे मंदिर, आपको पास से चल के दिखानी पड़ेगी, बहुत पास में मंदिर है घर के, बहुत आ गई मंदिर, बहुत पास में है हमारे घर से। और इनको देखिए कैसे आगे आगे जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है, सारे भगवान जी हैं ऊपर में और नीचे है शिवलिंग, तो वहीं जा रहे हैं अंदर दीप रखने के लिए। और जब पिछले साल गर्मियों की छुट्टियां थी ना, तो हम लोग यहाँ पे रात में आते थे सब फैमिली के साथ में, और बताए पूरे टाइम इधर पीछे ना हम वही खेलते रहते थे, कभी बैडमिंटन हो गया, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी हाइड एंड सीख हो गया, हमेशा कुछ ना कुछ खेलते ही रहते थे। बहुत अच्छा लगता था ना, सब लोग आ जाते हैं ना फिर खेल लिया हो तो अलग ही मज़ा आता है। मंदिर पहुँच गया, दर्शन कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से, और गाइस ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग गर्मी के टाइम पर बैडमिंटन खेलते थे, मैं, जया, जयश्री, प्रिया, मम्मी लोग, सब लोग आते थे रात में टहलने के लिए और खूब खूब मस्ती करते थे, हाइड एंड सीख खेलते थे, खेल रहे थे, तो सब लोग कहीं कहीं से छुप गए, लेकिन हम लोग ना
उधर कॉर्नर से जा करके हम लोग वो जो कॉर्नर दिख रहा है मंदिर के पीछे वहाँ से घूम कर यहाँ से निकल के आ गए और जया पीछे गई और पीछे उल्लू थे तो वो जया आवाज लगाई कि भैया भैया करके तो उल्लू ने आवाज दिया तो उसको लगा कि हम लोग पीछे ही हैं तो वो पूरा घूम घाम के आ गई और हम लोग उसको फिर बाद में यहाँ आके मिले। जब आए तो वो घबरा गए थे लिटरली। हम लोग उसको जब बताए कि पीछे उल्लू थे बहुत डर गए थे और डरने वाली बात भी थी। हाँ लगती लेकिन हमारी कॉलोनी काफी सेफ है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने में और जब सब लोग हैं ना तो मजा आती है। हम लोग पहले टिकटॉक के वीडियोस बनाने थे। हम लोग टिकटॉक के वीडियोस बनाए हैं इन रोड्स पे। यहाँ आप देख रहे हैं वो जो गेट दिख रहा है आपको उसके पास बनाए हैं। हमारी जब टिकटॉक जर्नी स्टार्ट हुई थी तो इतने सारे वीडियोस बनते थे यहाँ पर, बहुत मजा आती थी। क्या करने वाले हैं शुभू? बलून फोड़ने वाले हैं। ये है इनका छोटू सा फ्रेंड चुबू हमारा। आप हमारे पिछले व्लॉग्स में देख ही चुके होंगे तो आज ये बलून्स खेलने जा रहे हैं। ये सारे बलून हम फोड़ेंगे शुभू। ठीक है तो यहाँ इतने बलून से अभी और आ गए आपके पास? अरे वाह, अरे वाह। बलून की स्पेलिंग एच ए एच। हम लोग कैसे फोड़े? हम लोग फोड़े कैसे? अरे बाप रे, इससे फूटेंगे? उसकी तो एयर। ये हैप्पीनेस। ये शुभ, आई लव यू। आई लव यू प्रिया। कुछ दे दो, आप भी दे दो। शुभ और प्रिया दोनों एक दूसरे के लिए लिख रहे हैं कुछ पेपर में। फिर लिखूंगी वाई वाई ओ यू। ये हो गया आई लव यू। अब मैं लिखूंगी संकल्प एस ओ यू ए। आई वाई वाई ए ए। ये क्या हो गया? प्रिया। अब प्रिया को दे दो आप। और मैं हार्ट भी दे रही हूँ इसमें। और हार्ट भी दे रही। हाँ। और आप क्या दे रहे हो? मैं भी हार्ट भी दे रहा हूँ। अरे शुभ का हार्ट। शुभ का हार्ट तो देखिए। शुभ और प्रिय जब भी मिलते हैं तो शुभ हमेशा प्रिय से फरमाइश करता है पूरी पूरी खानी है, पूरी खानी है। आपको सबसे ज्यादा कार्टून में कौन सा कार्टून पसंद है? देखिए दोनों किस तरीके से बात करते हैं। कार्टून ब्लैक 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 तो कलर होता है ना कलर। कार्टून में जैसे डोरेमोन हो गया। शुभ अभी आप कौन सा कार्टून देख रहे थे? अभी आप कौन सा देख रहे थे? कुछ जीरो वाला। जीरो वाला ये मेरा है। अभी देख लेंगे। हाँ ये आपका है। पेपर दे दो ना इसमें। पेपर पेपर दे दो ना इसमें। शॉर्ट टेप दे दो। पेपर धोखे से निकल गया। हम उसको लगा देंगे। ओके हाँ। आप पहले खा लीजिए अच्छे से। एक बार
बस फिर बहुत हॉट लगेगा। फिर बहुत ज्यादा हॉट लगेगा आपको। पूरी और रोटी सब्जी दाल। और आपको पिज्जा पसंद है कि नहीं? मैं आपको पिज्जा इन लोगों को पता नहीं है कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस। खाएंगे ना? अच्छा आप बताओ आपको कब खाना है पिज्जा पराठा? नाइट। नाइट में? तो हम टुमारो नाइट में खाएं? हम्म, बताइए। आप तो मुझसे टॉक ही नहीं कर रहे, आपका तो पूरा ध्यान इसमें है। शुभू मैं आपसे टॉक कर रही हूँ। शुभू प्रिया फिर गुस्सा हो जाएगी आपसे। और मैं टॉक नहीं करूंगी आपसे, ठीक है? फिर प्रिया आपके घर भी नहीं आएगी और फिर मैं आपको बलून भी नहीं लाऊंगी और हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? पक्का? क्या टॉक करो, टॉक करो। ये बच्चे बहुत मासूम होते। अच्छा तो टॉक करिए। अच्छा आप बताइए मुझे, आपको ब्लू कलर ज्यादा पसंद है कि ब्लैक कलर? ग्रीन। ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन। अच्छा आप ये बताइए, आपके स्कूल में सबसे ज्यादा कौन सी मैम आपको प्यार करती है? नरोना मैम। नरोना मैम आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? कुछ भी, कुछ भी पढ़ा। तो गाइस आप लोगों ने देखा प्रिया और शुभ की टॉक, ये देखिए अभी भी इनकी चल रही है। ये लोग मिल जाते हैं तो इनकी अपनी ही बात चलते रहती है। और हम लोग भी जब मंदिर से घर लौट रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि इतने सारे बलून्स हैं काफी टाइम से हैं, और शुभ को जो है बहुत शौक है बलून्स फोड़ने का, तो क्यों ना उसको बुला लेते हैं, तो थोड़ी उसको भी अच्छा लगेगा, मस्ती हो जाएगी थोड़ी सी। तो हम लोग लेकर आ गए थे और अभी इनका चल रहा है, ये तो इनका चलता रहेगा लंबे टाइम तक। हमारा ब्लॉग करते हैं हम लोग यहीं तक, आज मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो लव यू ऑल गाइस, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुभ बाय।